मोटी गलती खा रहा है। देख लो जमाना लोगों कितना बुंडा आ रहा है, यो ठगी करके खा रहा है जिगर से मलाल का, और बुढ़ा ने भी पट्ठा चाहिए 16 साल का। सजनो एक रागनी बनाई इस जमाने पे, यो जमाना किसा हो गया कैसे, एक रागनी के द्वारा क्या दर्शाया बोला। मेरे सपने में भी ना सोची के ईसा जमाना आवेगा, और बेशर्मी का डंका बज शर्मदार दुख पावेगा। मेरे सपने में भी ना सोची खाने से पैसे।
बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे पुलिस कर्मियों का भी, इनका भी बड़ा सहयोग रहता है। बाकी सुनियो जी, एक SHO साहब खड़े, मेरे एक चुटकला याद आ गया। एक बार क्या होया, एक छिक्का दारू पी रहा, सुन के, एक छिक्का दारू पी रहा और गम में गाली बकता अंडे, मतलब तू मठा देंगे। इबेक ने 100 नंबर पर फोन कर दिया और वो SHO साहब उड़े फेरी लावा था, तुरंत ठा लिया वो और ले जाके थाने में गिर दिया। नुमले इसके 100 जूत मारो। इब जूत मरवा दिए, SHO साहब खाली बैठा था, नू सोची इसका तो तगड़ा इलाज बंधन दे। इब जो सिपाही था उसने बोला, भले एक काम कर, जितने भी पेंडिंग केस ने बैठा दे। इब लिया के फाइल गिर दी, नुमले पहली फाइल खोल भाई, नुमले जी गाड़ी चोरी हो रही है, भले लिख दो इसका नाम। उसकी एकदम उतर गई, भले अच्छा ले भाई दूसरी फाइल खोल, नुमला जी एक घर में चोरी हो रही है, भले लिख दे इसका नाम। भले तीसरी खोल, भले जी एक दारू पी के मार रखा है, भले लिख दे इसका नाम। इब जो भी केस आगा हुआ, भले लिख दे इसका नाम। इब इतनी देर में थाना में फोन आ गया, ये जो बाज के सिपाही था उसने फोन उठाया और उल्टा है बाज के SHO साहब दौरा आ गया। नुमले SHO साहब बहुत खुशी की बात, भले जी क्या होया, नुबला जी आपका लड़की हुई है, यो दारू पी रहा था कर के ऊपर ना हूं, नुबला या भी मेरे नाम लिख दो ऐसे। आहो क्या बता दिया, जी
जमाना।